हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवीश किशोर। यू आर वाचिंग रवीश किशोर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं कॉमन एरर की फिफ्थ वॉल्यूम लेकर आया हूँ। आशा करते हैं कि पिछले वीडियो की तरह भी इसे पसंद करेंगे। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो पे कमेंट करें। इसे मैं अपना बहुमूल्य धरोहर समझता हूँ। आशा करते हैं कि आपका प्यार मुझे मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन, बींग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, नो एरर। यह क्वेश्चन एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला शब्द हमारा बींग से शुरू हो रहा है, वी फोर है, बींग के बाद आर्टिकल लगा है तो नाउन आएगा। इस नाउन के पहले ये एडजेक्टिव है। ध्यान रखना चाहिए कि बींग के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है। अगर इस नाउन की चर्चा अगले सेंटेंस में हो तब इसे सही मानना चाहिए। अगर इस नाउन की चर्चा अगर पहले सेंटेंस में नहीं हो तो इस नाउन के अनुसार एक प्रोनाउन यहाँ यूज करते हैं। यहाँ कह रहा है और एनी डे। अब इस सेंटेंस को पढ़ें, आई कुड नॉट गो आउट में इस नाउन की चर्चा नहीं किया गया। जब इस नाउन की चर्चा अगले सेंटेंस में नहीं किया जाए तो इस नाउन का एक इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन हमेशा जोड़ देना चाहिए। यहाँ पर डे के कारण यहाँ इट आएगा। अगर यहाँ मान ले कि बॉय होता तो यहाँ ही आता, अगर यहाँ गर्ल होता तो यहाँ सी होता। इसलिए हमेशा इस क्वेश्चन पे अक्सर एक एसएससी का ट्रेंड है कि यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। बात करें आगे तो आई सब्जेक्ट है, कुड हेल्पिंग वर्ब है, गो वर्ब है, आउट एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसलिए आगे के सेंटेंस में कोई एरर नहीं दिख रहा है। ध्यान रखना चाहिए कि बींग से जब शुरू हो तो यहाँ रखा गया नाउन पर हमेशा नजर रखते हैं। इस नाउन की चर्चा आगे के सेंटेंस में किसी भी रूप में, नाउन उसी नाउन के रूप में या प्रोनाउन के रूप में हो तब इसे सही मानना चाहिए। अगर नहीं हो तो इस नाउन के बदले यहाँ पर एक पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसलिए इस डे के लिए यहाँ इट हो रहा है। बॉय होता तो ही होता, गर्ल होता तो यहाँ पर सी होता। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल सेंड माय सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। पहला आई हमारा सब्जेक्ट है, शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब, सेंड हमारा वर्ब, माय सर्वेंट ऑब्जेक्ट, बट के बाद आई तो बट को कंजंक्शन, कैन नॉट हम हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, इंश्योर को भर मानेंगे, के बाद दैट आ रहा है, दैट के बाद सब्जेक्ट आ रहा है इसलिए इसको कंजक्शन मानेंगे। यहाँ पर विल आ रहा है, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, रिच यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इन टाइम प्रीपोजिशन प्लस टाइम ये आ रहा है। अब देखें तो इस क्वेश्चन में शैल यूज किया है, कैन यूज किया है, फिर यहाँ पर सेल यूज किया है। हम कभी भी सेम मॉडल्स का रिपीटेशन कभी नहीं करते हैं। मॉडल्स के दो ग्रुप होते हैं, एक होता है पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी का ग्रुप, दूसरा होता है सजेशन एंड फ्यूचरेटिव एक्शन के लिए। फ्यूचरेटिव एक्शन के लिए कभी भी दोनों में से, दोनों ग्रुप से अगर एक एक मॉडल्स का यूज किया जाता है तो कोई एरर नहीं माना जाता है। लेकिन कभी भी सेम ग्रुप में मॉडल्स का रिपीटेशन नहीं होता है। यहाँ सेल आ रहा है और यहाँ भी सेल आ रहा है, इस दोनों सेल में से एक सेल को जाना है, ये दोनों सेल को में से एक को हटाना है। अब ऐसे सिचुएशन में हटाना किसको है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिक्वेंस ऑफ टाइम क्या चल रहा है। अब यहाँ कह रहा है सेंड और यहाँ कह रहा है रीच, तो पहले भेजेगा कि पहले पहुंचेगा। यहाँ पर लग रहा है कि पहले भेजेगा तब पहुंचेगा,
तो जो घटना बाद में रहे उसे मोडाल्स में सही मान लेना चाहिए, जो उसके पहले हो रहा है उसमें मोडाल्स का यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर ए होगा, आई सेंड माय सर्वेंट बट आई कांट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। इस क्वेश्चन का भी आंसर ए होगा। सेम मोडाल्स के ग्रुप को हम कभी भी रिपीटेशन में नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वेंट इनटू द बैंक एंड विड्रू सम मनी। क्वेश्चन बनाकर देखो, तुम्हारे आंसर में मेरे आंसर में काफी अंतर होगा, इसलिए एक मिनट के पॉज करके इस क्वेश्चन को देखो, शायद आशा करते हैं कि शायद नहीं बनेगा। कारण, कौन, आई, क्या, वेंट, यहां कह रहा है इनटू द बैंक। इनटू का यूज कभी भी मूवमेंट के साथ करना चाहिए, मूवमेंट यहाँ वेंट है, वेंट को चाहिए डेस्टिनेशन, वेंट को चाहिए लक्ष्य, और लक्ष्य के लिए कभी भी हम इनटू का यूज नहीं करते। वेंटू एक दायरा में स्पीड को, गति को दिखाता है, इसलिए यहाँ इनटू तो नहीं होगा। अब आपके नज़र में क्या होना चाहिए, इनटू नहीं होगा तो क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। वेंट इनटू द बैंक एंड विड्रू, वर्ब है, यहाँ एंड कंजक्शन है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ रहा है। पिछले वीडियो में मैंने देखा है कि कंजक्शन क्या करता है, यहाँ वेंट है, वहाँ विड्रू है, तो पक्का यह कस्टमर है। कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा हो, अगर यह कस्टमर के रूप में है, टेम्प्रोरी एक्शन के लिए है, तो कभी भी यहाँ पर इन या इनटू, आपके दिमाग में शायद इन चल रहा हो, अगर ये कॉमन एरर तो निकल जाएगा आंसर, लेकिन अगर ये सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन था तो आप फंस सकते हैं। क्यों, यहाँ पर यह एक पर्पस के लिए गया है और वह यह व्यक्ति इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई सदस्य नहीं है। अगर सदस्य होता तो इन होता, सदस्य नहीं है तो इसलिए इस इनटू की जगह एट का यूज होना चाहिए। यह टेम्प्रोरी एक्शन को दिखाता है, टेम्प्रोरी एक्शन के लिए एट का यूज करते हैं, इसलिए इसका भी आंसर ए होगा, इनटू की जगह एट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, Do not helping her, no her, where आ रहा है, where wh है, जब भी wh आए तो लास्ट के पंचुएशन को देखना चाहिए। wh का दो काम होता है, एक होता है इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है रिलेटिव। अब इतना सारा अंग्रेजी जानते हो उसमें आप जान, मैं कहता हूं कि इसको क कहो और इसको ज कहो। अगर ज के फॉर्मेट में है तो लास्ट में फुल स्टॉप होगा, अगर क के फॉर्मेट में है तो क्वेश्चन होगा। लास्ट में यहां फुल स्टॉप, यहां यह हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, इसलिए हम इसको देखें तो यह wh यानी wh के मिसयूज हो रहे हैं कि हम इंट्रोगेटिव लेना चाह रहे हैं कि रिलेटिव लेना चाह रहे हैं। पंचुएशन को हम करेक्शन नहीं करते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में पंचुएशन को कभी भी करेक्शन नहीं किया जाता है, उसके अनुसार स्ट्रक्चर बैठाया जाता है। इसलिए इसके साथ स्ट्रक्चर होता है wh plus subject plus verb, इसलिए इस क्वेश्चन का कुड को हमें ही के बाद रखना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ वेयर जो है, जहां कहां गया है, कहां जा सकता है इस मॉडलिंग में, अगर यहां क्वेश्चन होता तो हम यहां पर इस फॉर्मेट में लेते, लेकिन यह क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन का ट्रीटमेंट देंगे। wh plus subject plus verb, इसका स्ट्रक्चर होता है wh plus helping verb plus subject plus verb, हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे ले तो हमें पता चलेगा कि कौन सा लेना है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को इसको ले जाना होगा। ही के बाद कुड को रखना चाहिए था, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर एज सून एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन। आई सब्जेक्ट है, सजेस्ट वर्ब है, दैट कंजक्शन है, यहाँ कह रहा है ही, यहाँ कह रहा है गोज,
पहले प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, कोई एरर तो नहीं दिख रहा है। आगे बढ़कर देखें, टू द डॉक्टर, आगे कह रहा है एज सून एज, सेवन कंजक्शन, इफ व्हेन अनलेस अंटिल इन केस एज सून एज, एज सून एज, सपोज, ये सात कंजक्शन, इनके बाद का सेंटेंस हमेशा टेंस में आता है और इसके बाद का सेंटेंस हमेशा टेंस में आता है, ये टेंस में है, लेकिन इस सेंटेंस को छोड़ के या तो इनके पहले या तो इनके बाद का अगर सेंटेंस को रखा है तो उसे हमेशा मोडल्स में होना चाहिए। यहां पर टेंस यूज कर रहा है, हमें इसके जगह एक मोडल्स का यूज करना चाहिए, यहां सजेस्ट कर रहा है इसलिए कोई सजेशन का मोडल्स होना चाहिए था, इसलिए इसका आंसर होगा हे शुड गो टू द डॉक्टर। इस क्वेश्चन का आंसर बी होना चाहिए, he should go to the doctor, कारण कि ये सेवेंथ कंजक्शंस के साथ कंडीशनल कंजक्शंस हैं, ये हमेशा टेंस के साथ मोडल्स लेता है, इसलिए इसके बाद का सेंटेंस टेंस में होगा, इसके पहले या इसके बाद का जो भी सेंटेंस हो उस सेंटेंस को हमें मोडल्स में रखना चाहिए, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉश द क्लॉथ फास्टर, द न्यूअर टाइप हमारा नाउन है, इस नाउन के पहले टू प्लस भी वन भी फोर भी थ्री प्रीपोजिशन नहीं आया है, इसलिए इस नाउन को हमें सब्जेक्ट मानना होगा, के बाद ऑफ के साथ एक शब्द जुड़ रहा है ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, यहां प्रीपोजिशन ले रहा है, इस चार के बाद रखा गया नाउन या प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इसलिए यह हमारे लिए प्रीपोजिशन के कारण ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में होने के कारण हमारा सब्जेक्ट टाइप हो रहा है, इसकी भर वास है जिसका सब्जेक्ट हमारा टाइप है, क्योंकि अगर देखो इसको याद रखने का तरीका, द काउ ऑफ राम गिव्स मिल्क, इस क्वेश्चन में दूध कौन दे रहा है, राम दे रहा है या गाय दे रही है, कंडीशन क्लियर है कि गाय दे रही है, राम क्यों नहीं दे रहा है, तो लोग कहते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर है, तो लोग सीता कर देते हैं यहां, अब चक्कर है कि यहां प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन के कारण यहां रखा गया नाउन प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, ईच ऑफ अस होता है कि ईच ऑफ वी होता है, इसलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लड़के काफी फंस जाते हैं कि हम मशीन प्लूरल है इसलिए हम वास सही, नहीं जी सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट हमारा न्यूअर टाइप है इसलिए वास नहीं होगा, इस वास की जगह वासेस होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द टाइम We got our ticket and entered the cinema theater. The show was already begun. By आया, के बाद noun आया, इसे हम आप preposition कहते हो, हम compliment करते हैं। We हमारा subject है क्योंकि इसके पहले भी 2 plus V1, V4, V3 और preposition नहीं आया है, इसके पहले आया है, के बाद रखा गया नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस होता है, इस कारण से हम इसे सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, सब्जेक्ट हमारा वी है, कौन, तो वी क्या गॉट, क्या गॉट आवर टिकट, एंड क्या एंड इंटर्ड, यहां एंड कंजक्शन है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, यहां भी वर्ब है हमारा जो भीटू में है तो इसको भी भीटू मानेंगे, इंटर के बाद पिछले वीडियो मैंने कहा था कि इंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इंटर के साथ दिखाया है मैं उसको जाकर आप देख लो, इंटर कहां इंटर, द सिनेमा थिएटर, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि थिएटर गया तो सिनेमा क्यों नहीं लिख सकते हैं,
वो दिखाना चाह रहा है कि जहां सिनेमा चल रहा था उस प्रीमाइसेस को थिएटर कहते हैं और वहां जो चल रहा है उसको सिनेमा कहते हैं। आगे बढ़े द सो, फिर हमारा एक नाउन आ रहा है, इसके पहले पांच नहीं आ रहा है, वर्ब के कारण ये ऑब्जेक्ट बन गया। यहां का नाउन हमारा उसके पहले कोई कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए हमें मजबूरी है कि इसको सब्जेक्ट माने। आगे कह रहा है वॉच, यह हेल्पिंग वर्ब है। ऑलरेडी बिगन, बिगन हमारा वर्ब है, तो ऑलरेडी क्या है, इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ऑलरेडी जो है हमेशा परफेक्ट का टेंस लेता है, ऑलरेडी हमेशा परफेक्ट का टेंस लेता है, कभी भी यह वर्ब बी के साथ केवल, यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी डाला है इसलिए हमें कुछ ना कुछ हमें बदलाव करना होगा, इसलिए इस वाज को हटा करके पीछे के सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए यहां पर वाज की जगह हेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर इन दिस सेमेस्टर। ईच हमारा सब्जेक्ट है, मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए प्रीपोजिशन से एक कॉम्प्लीमेंट डाला। कहां का स्टूडेंट, तो इन कंप्यूटर क्लास, बात कर रहा है यहां हैज, तो हैज का सब्जेक्ट कौन, इसके पहले स्टूडेंट्स के पहले प्रीपोजिशन आया, तो सब्जेक्ट हमारा ईच होगा कि स्टूडेंट्स होगा, हैज होगा, इसके कारण यह हैज होगा। हैज टू टाइप यह मार्जिनल वर्ब है, हैज टू हैव टू होता है, क्या टाइप, तो देयर ओन रिसर्च पेपर। अभी दियर कौन है, सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स है कि ईच है, जब हमारा सब्जेक्ट ईच है तो हम ईच के लिए दियर यूज करें कि इसके लिए हीज यूज करें, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा और इस दियर की जगह हीज आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सी लुक्स एज इफ इट हैज बीन एजिटेटेड बाय ए स्टॉर्म। एसएससी की फिक्स्ड क्वेश्चन आएगा, कौन, द सी, क्या, लुक्स, अगला शब्द एज इफ, कभी भी, एज इफ, एज दो, आई विश, इफ ओनली, जैसे, स्ट्रक्चर के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वी टू आता है, रट लो, आएगा, कंफर्म है, एज इफ के बाद कुछ मत देखो जी, यहां जो वर्ब है वो हमेशा वी टू में आएगा। अब ये वी टू क्या, बीइंग का वी टू क्या होता है, तो वाज या वेयर, यहां पर वाज या वेयर होना चाहिए, कल्पना हमेशा वेयर लेता है, इसलिए यहां का आंसर केवल इट वर एजिटेटेड बाय ए स्टॉर्म, ये आंसर होना चाहिए। इसके बाद हमेशा वी टू होता है, वर्ब का कोई भी फॉर्म होगा वो कल्पना होगा, सपोजिशन में होगा, सपोजिशन में हमेशा वेयर का यूज करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, हैज बीन की जगह वेयर यूज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट हमारा वर्ब, व्हेन, व्हेन के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, इसे कंजंक्शन मानो, यहां भी हैड हेल्पिंग वर्ब है और यहां भी वर्ब है। कभी भी पास्ट परफेक्ट के दो सेंटेंसेस नहीं होते हैं, ना तो सिंगल सेंटेंस कभी पास्ट परफेक्ट होता है और ना दो कभी भी लगातार पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस आते हैं, इसलिए ये बात जान लो, क्योंकि उसके बदले में मोडास आ सकता है। पास्ट परफेक्ट के साथ कभी भी दो सीक्वेंसेस पास्ट परफेक्ट में नहीं होता है, या तो आप उसे मोडास में चेंज करिए या सिंपल पास्ट में चेंज कीजिए। हम देखें तो चेक करना होगा कि किस हैड प्लस वी थ्री को हटाएं, तो इसीलिए हमेशा टाइम का ध्यान रखना चाहिए, टाइम का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा टाइम की घटना हो रहा है, तो पहले ट्रेन चली गई कि पहले मैं पहुंचा। द
डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था, उस स्ट्रक्चर पे इसको बैठाओ तो लगेगा कि पहले ट्रेन चली गई थी तब हम पहुंचे, इसलिए इस हेड को हम एरर मानेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होगा, यानी व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन होना चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लोगों के बीच में शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि हमें आपकी ये मदद हमारे लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी का कार्य करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।